प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई कि मैथ्स का पेपर आपने दे रखा होगा, आज हो गया और डेफिनेटली आपने पेपर अच्छा करा होगा। यदि कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है तो दिमाग में हम उसे प्रेशर न लीजिए, और यदि पेपर बहुत अच्छा हो गया है तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहिए, ताकि अगला वाला पेपर जो है कहीं ओवर कॉन्फिडेंस से खराब ना हो जाए। राइट, कॉन्फिडेंट रहिए, चाहे पेपर में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है या फिर पेपर बहुत अच्छा हो गया, बी कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आने वाला जितने पेपर्स हैं उसमें पूरे मन लगा करके आप पढ़ाई कर सके। तो बढ़ते हैं आगे, और साइंस के पेपर जो आपके 13 मार्च होने जा रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं कि भाई कि साइंस की तैयारी आखिर कैसे करी जाए। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहिए। यदि बीच में आपने छोड़ के चले गए, आप पूरा वीडियो नहीं देखा, तो हो सकता है कहीं कोई की पॉइंट्स आपका रह जाए और आपके पेपर में जो है जो स्ट्रेटजी कोई मिस न कर जाए। और हालांकि इनपुट आप डालेंगे डालेंगे, मेहनत तो करेंगे करेंगे, और हमारी स्ट्रेटजी के साथ वर्कआउट करेंगे तो उसी मेहनत का, हो सकता है उसी आपकी इनपुट का बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिल जाए। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लास्ट तक बने रहिए। साथ में मैं बताऊंगा कि भाई ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि कई सारे वीडियोज मैं प्लेस करने जा रहा हूं जिसमें आने वाले टाइम में, जिसमें कि हो सकता है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करें जाए आपके पेपर के लिए, ताकि वो कहीं डायरेक्टली आ ना जाए। तो उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो है बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे आपके लिए उसकी नोटिस आपके पास आ जाएगी। राइट, तो ये बहुत जरूरी है, जिसको करना ही चाहिए। ऑलरेडी कई सारे वीडियो लेक्चर्स जो है आपके लिए हमने बना रखा है, कई चैप्टर्स का, लाइक जैसे केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स के बने हुए हैं, फिर इसके बाद आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का बना हुआ है, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का बना हुआ है, रे ऑप्टिक्स जो आपका है उसका मैं अपलोड करूंगा कुछ ही देर में, आज या कल तक में अपलोड हो जाएगा, जिसमें काफी जल्दी जो है चैप्टर को कैसे करना चाहिए वो मैं उसमें रखा हूं, एक डेढ़ घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। इसी तरह से करंट का ऑलरेडी क्रैश कोर्स टाइप है, एक से डेढ़ घंटे पूरा का पूरा हो जाएगा। तो ये सब का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है कि जल्दी से जल्दी चैप्टर कैसे आप खत्म कर सकते हैं रिवाइज करते हुए, और पूरे अच्छे से विथ एप्लीकेशन एंड क्वेश्चंस करते हुए उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर रखा हूं। तो जरूर जरूर से उस लिंक को आप क्लिक कीजिए और वो वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। राइट, तो बढ़ते हैं आगे, और हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पे कि साइंस के पेपर की तैयारी कैसे करी जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि साइंस के पेपर में जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं उसका वेटेज क्या होगा। कि देखिए साइंस के पेपर का टोटल मार्क्स तो 80 है, 80 में से आप देखिए कि 12 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं, 68 मार्क्स थ्योरी का होता है, ये तो बेसिक बात है जो बहुत पहले से पता ही है आपको। अब देखिए यहां पे पूरे साइंस के सब्जेक्ट को 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। 5 यूनिट में कौन कौन से यूनिट है वो देख लीजिए एक बार, केमिकल सब्सटेंसेस, इस केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर एक्चुअली 5 चैप्टर्स हैं, और हम लोग ये कहेंगे कि ये जो 5 चैप्टर्स हैं मैं उसका नाम भी ले लेता हूं, ये आपका केमिकल रिएक्शंस एंड आपका इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये 5 चैप्टर हैं, और इस सारे 5 चैप्टर की जो वेटेज है वो 25 मार्क्स है। अब इस चैप्टर के जो नेचर है उसमें ये है कि भाई कि समझना भी है और याद भी आपको रखना है, दोनों बातें हो जाती हैं। अब अगले पार्ट में चलते हैं, अगले यूनिट में, जिसमें कि इनफैक्ट आपके 4 चैप्टर हैं और वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, और ये मोर और लेस आपका बायोलॉजी का पार्ट है, जिसमें कि आपको ज्यादातर चीजें याद ही करना है, आपको समझ के याद करना है, समझ के याद करना है, बट अल्टीमेटली आपको याद करना है समझ करके। नेक्स्ट आप इसमें 4 चैप्टर आपका नाम पता ही होगा, आप लाइफ प्रोसेसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस है, एंड लास्ट चैप्टर जो आपका है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट अब देखिए नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना में बेसिकली लाइट है, जिसमें 2 चैप्टर है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें भी आपको इस चैप्टर में क्या है कि ज्यादातर एप्लीकेशन ही है, कुछ बातें हो सकती हैं आपको याद करना पड़े, बट ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है ये, या समझने वाला चैप्टर है। इस तरह से अगला जो चैप्टर करंट एंड इस इफेक्ट की बात करें, जो कि बेसिकली आपका इसमें 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। राइट, ये पूरा का पूरा चैप्टर दोनों ही जो है ज्यादातर चीजें समझने की है, और कुछ बातें जरूर समझ, मतलब ज्यादातर आपको समझने वाली बात है, और एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है ये। राइट, और लास्ट जो आपका यूनिट है आपका नेचुरल रिसोर्सेस, जिसमें कि 3 चैप्टर है, और तीनों के तीनों मोस्टली याद ही करना है समझ करके।
अब यहां पे समझ लीजिए कि यूनिट वन में का जो कंट्रीब्यूशन है 25 मार्क्स। अब ये जो मार्क्स आपके नीचे लिखे हुए हैं ना, उसमें दोनों इंक्लूडेड है, प्रैक्टिकल विथ थ्योरी दोनों मिला करके है। तो 25 मार्क्स इसका है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग का 23 है, नेचुरल फिनोमेना का 12 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है, करंट एंड इट्स इफेक्ट 13 मार्क्स का है, नेचुरल रिसोर्सेस 7 मार्क्स के हैं, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हम लोग करेंगे कैसे और हमारे पास क्या रिसोर्स होना चाहिए। आपका जो रिसोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए एक तो क्लास नोट्स, जो आपने पिछले एक साल में जो भी नोट्स आपने बना रखा है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट एवर बी द नोट्स। अभी इसमें किसी से नोट्स आप ना लें दूसरे का, मैं यही कहूंगा कि जो भी आपने नोट्स बना रखा है उसके ऊपर भरोसा कीजिए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी आपने नोट्स बना रखा है अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, बहुत मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एनसीईआरटी, और तीसरा आपका है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर को मैं कहूंगा कि भाई कि 2018 का ये पेपर हटा देता हूं, 2018 का ही पेपर है, क्योंकि अभी जो है आपका बोर्ड का पेपर तो बोर्ड जो है अभी पिछले साल से शुरू हुआ है, तो प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। और साथ में सैंपल पेपर्स जो है इस साल का भी रखिए जो बोर्ड ने दे रखा है, और पिछले साल का भी सैंपल पेपर जो बोर्ड ने इशू करा है वो भी आप कलेक्ट कर लीजिए, राइट। लेकिन अभी सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभी जो पढ़ाई के लिए आप अपने साथ रखेंगे नोट्स एंड एनसीईआरटी अपने साथ रखेंगे। अब इसको कैसे वर्कआउट करना है, इन दिनों को कैसे डिवाइड करना है अपनी पढ़ाई के लिए, वो अब आप सुनिए। स्ट्रेटजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा थीम ये रहेगा कि भाई पहले मैं उस चैप्टर को कर लूं जो कि समझने वाला भी है और साथ में उसे थोड़ी बहुत बातें याद करने वाली बात है, लेकिन ज्यादातर समझने वाली, क्योंकि समझने वाली चीजें जो होती है कंसेप्चुअल बात होती है, न्यूमेरिकल बात होती है, एप्लीकेशन जो होती है वो ज्यादातर दिन तक माइंड में सस्टेन करती है। तो उसमें देखिए करंट ये वाला यूनिट और ये दोनों यूनिट, ये दोनों इंपॉर्टेंट भी है, देख लिए चार चैप्टर है, टोटल 25 मार्क्स है, और ज्यादातर इसमें आपको समझ करके चीजों को दिमाग में बैठाना है, और एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है ये दोनों। तो मैं यही कहूंगा कि 7 मार्च और 8 मार्च तक में ये दोनों चैप्टर को आप फिनिश कर लीजिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों जो यूनिट जिसमें 4 चैप्टर हैं वो 7 मार्च मतलब आज हो गया और कल तक में इसको पूरी तरीके से इन 4 चैप्टर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए विथ कंप्लीट प्रैक्टिस, जिसमें कि क्लास नोट्स को अपने दिमाग में रखिए, साथ में एनसीईआरटी, और जो हमने वीडियो लेक्चर्स दे रखे हैं उसको भी आप देख सकते हैं, राइट। उसमें देखिए ऐसा है कि करंट का पूरा अच्छे से दिया गया, कहीं कोई दिक्कत आई भाई तो पूरे वीडियो लेक्चर्स को आप हमारा रेफर कर सकते हैं, राइट। जिसमें कि करंट में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को समझाया गया है, साथ में यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर वो भी कराया गया है, नेचुरल फिनोमेना में पूरा का पूरा ऑप्टिक्स है जो कि अपलोड कुछ देर में हो जाएगा, आज या कल तक में अपलोड हो जाएगा, राइट। और ये ऐसे बनाया गया जिससे काफी कम टाइम में सारे पॉइंट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि वीडियो लेक्चर्स आप रेफर कर सकते हैं इनके ऊपर, जो कि हमारा अवेलेबल है हमारी चैनल पे, राइट। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। तो 7 मार्च और 8 मार्च में ये दोनों यूनिट को फिनिश कर दीजिए। अब आगे बात आती है कि 9th मार्च एंड 10th मार्च में आप टारगेट कीजिए बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस, वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नेचुरल रिसोर्स को खत्म करने का, राइट। केमिकल सब्सटेंसेस, वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नेचुरल रिसोर्स को खत्म करने का फ्रॉम योर क्लास नोट्स एंड एनसीईआरटी, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे। कहने का मतलब है कि सारे के सारे 5 यूनिट जो हैं आपके वो 10 मार्च तक में टारगेट कीजिए कि फिनिश हो जाए, राइट, विथ कंप्लीट रिवीजन क्लास नोट्स का, एनसीईआरटी का, साथ में जो वीडियो लेक्चर्स हम लोग आपके लिए प्लेस करेंगे वो भी आप देखना चाहें तो देखिए। मैं तो कहूंगा कि डेफिनेटली देखना चाहिए आपको, ताकि उसमें कुछ नई बातें आपको आ जाए, कोई नए क्वेश्चंस आपके लिए मिल जाए, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पे। और एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर के सॉल्यूशन भी, जैसे करंट का पूरा मैंने हर क्वेश्चन को डिस्कस करा हुआ है अपने जो है वीडियो लेक्चर्स में, तो वो भी आप देख सकते हैं, राइट। अब बात आते हैं कि 11 मार्च और 12 मार्च को आखिर करें क्या। तो 11 मार्च 12 मार्च को आपका टारगेट रहेगा कि एक तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं 2018 का आपका होगा, अब कुछ सैंपल पेपर्स हैं मिला जुला के 3-4-5 पेपर आपके हो सकते हैं, वो जरूर से फिनिश कीजिए वो, और साथ में प्रैक्टिकल, इन दोनों को 11-12 मार्च को टारगेट कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स, सैंपल पेपर्स जो भी होंगे आपके पास, और भी कोई एक्स्ट्रा पेपर आपके पास होगा, आपने स्कूल में पेपर दे रखा होगा तो वो भी आपका प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं, तो वो सारे पेपर्स को एंड प्लस प्रैक्टिकल्स को, इसको आप 11-12 मार्च को टारगेट कीजिए कि उसको फिनिश
फिनिश करने का, उसको खत्म करने का, जिससे कि आप क्या होगा कि भाई पीछे की सारी बातें रिवाइज भी होती रहेंगी। अब जैसे आपने पेपर को उठाया, पेपर ने आपने करना शुरू किया, अब कहीं कुछ पॉइंट्स में अटक गए किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, देन उस कॉन्सेप्ट को आप फिर थॉरोली पढ़ लीजिए, राइट। लाइक जैसे मान लिया जाए कोई क्वेश्चन ऐसा है जो भाई कि करंट का था, करंट में कोई क्वेश्चन अटक गया आपका कोई कॉन्सेप्ट की वजह से, तो बस उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। ये काम कब करना है, 11 मार्च और 12 मार्च को, समझिए मेरी बात को, 11 मार्च 12 मार्च को जो चीजें आपको करनी है वो प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, जो स्कूल में आपने पेपर दे रखा होगा उसको कीजिए, और साथ में जो प्रैक्टिकल उसकी तैयारी कर लीजिए। आपको पता ही कि भाई प्रैक्टिकल में भी तीनों के प्रैक्टिकल हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी एंड बायो के भी, और ये प्रैक्टिकल आपके 12 मार्क्स के हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और इसमें सबसे ट्रिकी पॉइंट क्या है कि बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल थोड़े कम है, बट उनका कंट्रीब्यूशन उतना ही है, 4 मार्क्स का ही है, राइट। तो उसको पहले आप कर लीजिए। एंड जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल है, आना तो वही 4 नंबर ही है, लेकिन उसमें काफी सारे प्रैक्टिकल हैं, तो उसको आप बाद में भी कर सकते हैं। और आप ध्यान दीजिए कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस का वीडियो में जरूर से प्लेस करूंगा, ये जान लीजिए। तो जरूर जरूर से आप क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं वो वीडियो प्लेस करूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि उसके वीडियो जरूर से प्लेस करूंगा, तो जब मैं वो वीडियो प्लेस करूंगा आपका, खासकर फ्री फिजिक्स के प्रैक्टिकल का, तो पक्का पक्का करूंगा, क्योंकि मैं बेसिकली फिजिक्स में डील करता हूं, तो फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो सबसे ट्रिकी भी होते हैं, तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल जो है आपके उस रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जरूर से मैं प्लेस करूंगा, इट्स द प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, राइट। तो जरूर से आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो है जब वो वीडियो को मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और वो मोस्ट प्रोबेबली मैं जो है 10 मार्च तक में प्लेस कर दूंगा, इट्स द प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, राइट। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर एंड सैंपल पेपर विथ प्रैक्टिकल्स आप जो टारगेट करेंगे 11 मार्च 12 मार्च को करेंगे, तो मेरे ख्याल से घबराएं नहीं, पहली बात तो ये, घबराहट में तो भाई दिमाग चलता ही नहीं है। दूसरी बात, पढ़ना अभी से शुरू कर दें, टाइम बिल्कुल खराब ना करें, बिना पढ़ाई करे आप सोचेंगे कि मैं परफॉर्म कर जाऊंगा, ये तो होना नहीं है। स्ट्रेस नहीं रखना है, प्रेशर नहीं रखना है, बी कूल, कॉन्फिडेंट एंड सीरियस, ना ओवर सीरियस होना है ना अंडर सीरियस होना है, इन सारी क्वालिटी को आप इनकॉर्पोरेट करें। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया, जो प्लानिंग बताया, उसको फॉलो करें, डेफिनेटली और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ में जो वीडियो लेक्चर्स मैं आपके लिए बना रखा हूं, पहले से हमारी टीम ने बना रखा है, उसको जरूर से देखिए, और आने वाले टाइम में जो अगले 3-4 दिनों में कई सारे वीडियो लेक्चर्स हो सकता है कि प्लेस करें, जिसमें कि प्रैक्टिकल का तो करूंगा, तो उसको आप देख सकते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने हमारे बारे में और हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताते रहिए, और हमारे साथ आप कंटिन्यूसली बने रहिए, हमेशा के लिए बन जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे आप जब 12th 11th में जाएंगे, तो उस समय भी कई सारे साइंस यदि ले रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी, तो उसका पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर हमने बना के पहले से आपके लिए रखा हुआ है, तो उसका आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप जुड़ जाइए हमारे साथ, राइट। और तो इसको ध्यान में रखते हुए आप वर्कआउट कीजिए, और लोगों को बताइए हमारे बारे में, हमारे काम के बारे में, ताकि हमारा काम जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तभी हमारी मेहनत जो है सक्सेसफुल हो पाएगी, राइट। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल द पेपर्स, और साइंस के पेपर के लिए स्पेशली, क्योंकि ये साइंस के पेपर के लिए। एक बात और यहाँ पे ये है कि साइंस का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, उसका ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। मैथ्स का पेपर जो कैसे करना चाहिए, उसका ही मैंने अपलोड किया था, उससे कई लोगों ने कहा कि हाँ भाई कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कि हमारे दिमाग में नहीं था, इससे हमारे को पेपर देते हुए काफ़ी सहूलियत हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट, नए प्रॉब्लम एंड नई स्टडी, नई प्लानिंग एंड मोटिवेशन वगैरह के ऊपर बात करेंगे आपके साथ। हमारा जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहाँ पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका, राइट। ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस, इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, होम पेज हमारा आइंस्टाइन क्लासेस का। इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए है मटेरियल, और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT JEE मेन्स एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर JEE के लिए। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये JEE मेन एडवांस के लिए शॉर्टकट दिए गए हैं, फिर JEE मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं।
नीट पीएमटी की प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास ट्वेल्थ के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीबीएसई, ये सारा कुछ है, मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए, डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास ट्वेल्थ का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास इलेवंथ जो देखिए, क्लास इलेवंथ का आप देख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स, काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास टेंथ का है कैट एमबीए प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए, राइट है, दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।